हेलो फ्रेंड, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बी ब्लेंड सीक्रेट सैलून का हॉनेस्ट रिव्यू। तो ये रही कुछ ऐसी है इसकी पैकेजिंग। तो ये है बी ब्लेंड सैलून सीक्रेट साइन टॉनिक हाई साइन क्रीम हेयर कलर है। तो इसका मैं रिव्यू लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करते हैं, ये एक हेयर कलर है उसके बाद मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ज़्यादा लो भी नहीं है, अच्छा है, मीडियम है। और इसमें आपको 10 कलर अवेलेबल है, 10 शेड अवेलेबल है। तो इसमें मेरा शेड है डीप बरगंडी वाइन डीप बरगंडी। तो इधर ये शेड मेंशन रहेगा। और अगर मतलब आउटर पैक पे जो ये रहेगा इनका मतलब कि हेयर कलर भी उसी से रहेगा। और ये है ओरिजिनल, तो क्योंकि इसकी शाइनिंग से पता चलेगा। तो सो मैंने इसे नायका पर परचेज किया, पर नायका पर डिस्काउंट चल रहा था। वैसे इसकी MRP है 185 रुपीज। और ये हमें पड़ा है 131 रुपीज। और इसमें मतलब कि 131 रुपीज का पड़ा है ये। और इसकी MRP है 185 रुपीज। तो इसमें आपको 10 सेट अवेलेबल हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, मतलब ये है क्या, ये एक तरह का हेयर कलर है जो हम बालों पर लगाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी अच्छा है। तो इसमें मैंने आपको सेट अपना बता दिया, वाइन डीप बरगंडी है ये। तो इसकी क्वान्टिटी की बात करते हैं, इसकी क्वान्टिटी है 100 ग्राम प्लस 8 ml है, मतलब सीक्रेट साइनिंग वाला जो साइनिंग सीरम होता है उसका है 8 ml। और ये है नो अमोनिया, इसमें अमोनिया नहीं है, नो अमोनिया, 100% ग्रे कवरेज, ये काफ़ी ज़्यादा कवरेज है। इसके अंदर मैं बात करते हैं इसके अंदर है क्या क्या। तो इसकी पैकेजिंग आप फिर देख लीजिए, ये एक सिल्वर और हल्का स्काई कलर में आता है इसकी पैकेजिंग। ये रही, तो इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर है सबसे पहले एक वन ट्यूब क्रीम कलरेंट है ये, सॉरी वन ट्यूब है क्रीम कलरेंट, इसको बोलते हैं कलरेंट। इसमें बी है, ये बी इधर दिया गया है, नंबर बी है। उसके बाद दूसरा है डेवलपर, एंड इसके अंदर है, और एक ये है शाइन टॉनिक, तीन हो गए। और ये एक मिलेगा आपको वन पेयर ग्लव्स, ग्लव्स मिलता है। और उसके बाद मिलता है वन इंटेक्शन लीफलेट मिलती है एक, मतलब इसमें कैसे क्या दिया गया है, कैसे क्या होगा, वो सारे से मेंशन रहता है। तो ये कई सारे लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने से सबसे पहले आपको इसे इसे यूज करने से मतलब थोड़ी देर पहले आपको 48 घंटे यानी 48 आवर्स से पहले एलर्जी टेस्ट करना पड़ेगा। आपको सेफ्टी इंट्रेक्शन होता है वो, मतलब कि ऐसे आपको एलर्जी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब कान के पीछे हो गया या फिर मतलब हैंड पे आपको अप्लाई करना, उसके बाद 48 आवर्स तक वेट करना। अगर आपको मतलब एक्ने हो जाए, वहाँ पे रेडेस हो जाए, फिर जलन हो जाए, फिर सूजन हो जाए, तो आप इस कलर को यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब यूज मत करें। तो इसे यूज नहीं करना है अगर, तो फिर मतलब अगर इसमें आपको कोई भी रेडेस या जलन या कुछ भी इन्फेक्शन होता है, आप इसे यूज ना करें। और हाँ, अगर ये आपकी आंखों में चला जाए तो इसे तुरंत मतलब डॉक्टरों को सलाह लें, आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मतलब इससे आंखों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरह का पॉइजन होता है ये। और उसके बाद इसमें स्टेप्स दिया रहेगा कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले स्टेप में है, स्टेप वन लेट्स प्रिपेयर, मतलब आपको ग्लव्स डालना है। उसके बाद स्टेप टू मिक्स इट अप ऑल ओवर कलर, कलर और उसके बाद कलरेंट डेवलपर एंड साइन चित्र, मतलब तीनों को मिक्स करना है नॉन मतलब मेटेरियल बाउल में, यानी कि वो धातु का बना ना हो, नॉन मेटेरियल बाउल में हो, प्लास्टिक का हो या फिर कांच का हो, ग्लास का, उसमें आपको इनमें से मिक्स करना है। उसके बाद इंथेसिक ब्रश हो, यानी कि जो मतलब हेयर कलर हम लगाते हैं ब्रश, जो हेयर कलर वाला ब्रश आता है उससे हमें इसे मिक्स करना है। और फिर उसके बाद स्टेप थ्री पुट इन दी अप्लाई दी मैक्सिमम इमीडिएटली और हेयर विद टाइटनिंग ब्रश, मतलब टाइटनिंग ब्रश से तुरंत आपके बालों में तुरंत अप्लाई करना है। मतलब इसे ऐसा नहीं कि इसे अब हम मिक्स कर दिए उसके बाद आधे घंटे के लिए रख दिए फिर लगाए, नहीं, अगर हम इसे मिक्स कर लिए तुरंत इसे लगाना है बालों पर। उसके बाद हमें इसे 30 मिनट तक रहने देना अपने बालों पर। अगर आपको डीप बरगंडी कलर चाहिए तो आप इसे 45 मिनट तक रख सकते हैं बालों पर, मतलब ज़्यादा अच्छा खासा हो जाएगा। उसके बाद स्टेप फाइव है वाज इट ऑफ, मतलब कि तब तक इसे धुलते रहिए जब तक कि झाग ना निकल जाए बालों की, तो इसे धुलते रहिए। उसके बाद स्टेप सिक्स है शैम्पू यूज कर सकते हैं आप, मतलब हेयर कलर करने के बाद आप शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो इसमें कलर अवेलेबल है ब्लैक, नेचुरल ब्लैक, ब्लूबेरी, ब्लू ब्लैक, ये रहे इधर मेंशंस हैं, डार्क ब्राउन, नेचुरल ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन, रेडिश ब्राउन एंड डीप बरगंडी।
तो आप इसे मतलब कि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने इसे नायका परचेज किया था, नायका पर अक्सर वैसे भी डिस्काउंट चलता रहता है, तो आप वहां से दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं इनकी। सबसे पहली बात कि मतलब अगर हम इन्हें एक बार खोल दें, यानी एक बार ओपन कर दें इन पाउचों को, मतलब कि फिर हम एक बार ओपन कर दें इन ट्यूब को, तो हमें दोबारा इन्हें मतलब वो नहीं करना है ऐसे, मतलब हमने एक बार यूज कर लिया फिर रख दें, तो ऐसा नहीं है। मतलब एक बार हमने इसे ओपन कर लिया तो उतना ही निकालें, जितना हमें बाउल में मिक्स करना, जितना हमारे हेयर में कलर लगेगा उतना ही हम कलर निकालें इसमें। और ये नहीं कि हमने मतलब दोनों निकाल लिया, मिक्स कर लिया, उसके बाद उसे रख दो बाद में लगाने के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि केमिकल होते हैं ये। अगर हमने मतलब हमारे बालों जितनी जरूरत हो उतना ही निकालो, इसे ज्यादातर ना निकालो उसमें से। और इन्हें मिक्स करते वक्त सावधानी, मतलब जैसे हम मिक्स करें इनका काफी स्मूथ पेस्ट हो जाए, उसके बाद तुरंत अप्लाई कर लें, इसे बाद के लिए ना रहने दें। तो इनमें मतलब कि इन्होंने ग्लव्स भी दिया है, तो ग्लव्स भी देखते हैं। ये देखिए इन्होंने वन पेयर ग्लव्स दिया है, तो और सबसे अच्छी मतलब कि सबसे लास्ट चांस बात ये है कि अगर आप मतलब ये कलर यूज करते हैं तो आप प्लीज इसे स्काल्प में मत यूज कीजिए, क्योंकि ये पूरा केमिकल होता है, आपको आपके बालों को मतलब ड्राइनेस भी कर सकता है, ऊपर से मतलब आपके बाल टूट भी सकते हैं, झड़ भी सकते हैं, हेयर फॉल भी हो सकता है आपको। प्लीज मतलब इसे अगर आपको कलर करना है तो इधर साइडों में कलर करें या फिर ऊपर, लेकिन इस स्काल्प पे बिल्कुल भी कलर ना करें, क्योंकि आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इनसे। तो प्लीज मतलब आप जरूर से ट्राई कीजिएगा, और हाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इसकी लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर उधर चेक कर लीजिएगा। और ये रही फिर से एक बार देख लीजिए इसकी पैकेजिंग, और इसकी एमआरपी भी है 185 रुपीज, तो मुझे पड़ा था 131 रुपीज का। फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन बेल को प्लीज क्लिक कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।